जब मैं आजादी के मौके पर मौजूद होने के सुतों और हमारे हिंद पर मार पीटने वाले दोस्तों, आज जो हमें आजादी है, जो हमें हम सबको बेमिसाल कुर्बानियों और हिंदू मुस्लिम इस प्रकार की कुवतों से हासिल हुआ है, आज जो आजाद होगा कुछ गवाह माहौल में हम आजादी के साथ में रहे हैं। आज जो हमारे देश के बच्चे जवान बूढ़े बाजार और हिंदुस्तान का हर सत्य वचन अपनी जान माल और रफ्तारों कार और मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम से अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। आज मातर हिंद का हर जर्रा अवकाश, हर शब्द और इंसान जिसमें आजादी की तलबों के सरेशार और आजादी नाजाओं पर नजर आता है कि उनका हकी हक है और मुल्क की वफादारी का जिंदा सबूत है। लेकिन आजादी क्या है? क्या आजादी ये है कि दूसरों की रुपया छीनी जाए, कमजोर हो जाता है, अक्सरियत की तबका पंडियती तबका बेहतर करे, किसी के नजर और आईने नजर से विवाह किया जाए, किसी नफ्सी सफर को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले को दहशतगर्द करार दिया जाए, उसकी इबादत गवाहों को विस्तार दिया जाए, उसकी मुल्की वफादारी पर शक किया जाए, मुल्की की आजादी पर उसके आबाओं की ताकि कुर्बानियों को उदारी से मिटाया जाए। मन के लिए मयूर चुको तो क्या हमारे बुजुर्गों के धारा ने इसलिए जान की कुर्बानी की, शादी के पत्र को तलाश किया, काला पानी की सजा काटी, क्या इसलिए रेती रूपा की तारीख चली, क्या इसलिए तारीख खाला को प्रदूष में आई, क्या इसलिए तारीख के खिलाफ चली, क्या इसलिए हिंदुस्तान चोर तारीख चली, क्या इसलिए अंबाला साधु से भरा, क्या इसलिए ट्रेनिंग की चांद को पकड़े सब लटकाए गए, क्या इसके लिए जमीन वाला कांड हुआ, क्या इसके लिए चांदी के मैदानों को खोल दिया। मेरे कंबोडिया के साथ हिंदुस्तान की गोद में गंगा जमुना की जवानी है, सोची और सतल की जवानी है, लाल कलर और जामुन मस्जिद की मजबूती और ताकीद की है, ताजमहल की खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मनमोहन जी और आपदा है, मुख्तलिफ मजहबों में और तीनों धर्म के मानने वाले हैं। इस आदिम मुल्क की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और इकलौता की हाथ से पैदा होने वाले हर शख्स का रोल वतन के वायु परसंतों जन्नत की चावल के हिंदुस्तान से उन्हें लौलियत के धक्के के मिटाने में जहाँ महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या हम के साथ है, वही इमामुल हिंद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मौलाना मोहम्मद आमिर गौहर बानी तारीख के एक गुरु मौलाना और क्या बोले मौलाना हजरत अहमद नकवी का कारनामा है। दोस्तों मैं तारीख आजादी हिंद से पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क का काम वो था जिसकी ज्यादा को अंग्रेज ने आजाद किया था, हिंदुस्तान अब हमारा है। सुल्तान शहीद थे, तारीख से पूछो जब मैं आजादी से तरेसार होकर लंदन में कितने ऐलान किया था, या तो हमें आजादी का परवाना चाहिए या दमन के लिए दो गज जमीन चाहिए। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहरी से थे, आज तारीख शहीद है जब हमें पता किस मजे हो जाएंगे सर पर कबन बंद कर अंग्रेज सर को लगाते हुए कहा था कि मैंने कहा अंग्रेज की नौकरी को हरा खराब किया था, हमारे भाई करेगा, अगर कोई
कार्यक्रम मनाएंगे, चाहे वो अफगानिया पाकिस्तान आने किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तो वो अंतर को टकराने का हमला हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है कि हमें इस मुल्क का इजादार नहीं, बराबर का अवतार का फर्ज बता नहीं, वो अवतार मुल्क में हमें शांति का हाथ पैर किया जाए, खुशहालियों का हाथ नहीं गिरा है, मुल्क के हाथ का सिंधा के लिए खोली जाए, का जमी का जीत को मुल्क की दान कर जाए। मेरा बनाने वाला भाई अमीर भाई का हम बरार करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से वतन की आजादी हुई और इसी आजादी के इतिहास में मुल्क की ताकी ही होती है। अल्लाह ने हम करके वह हमारे सरदार की शामिल के हिंदुस्तान को अमन और अमन का हवा और तरक्की का भोजन होना है। सादा प्रदूषण प्रवासी भाई शांति और रवादारी की निकाल को हमेशा ख्याल रखे एवं मेरा जमी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। Thank you.